इंडियंस बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि ताजमहल, हमारी चाय पीने की आदत, हमारी भाषा, हमारी मेहमान नवाजी और इंडियन वेडिंग्स। पर शायद सबको ये नहीं पता होगा कि शादी में होने वाली रस्मों के लिए भी हम बहुत फेमस है। हमारी कुछ रस्में ऐसी होती है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी मजे के लिए हम उन रस्मों को करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ फनी हिंदुस्तानी रस्मों को आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाक खींचने की रस्म। ये रस्म मोस्टली गुजरातीज और मारवाड़ी में होती है। इस रस्म में दूल्हा जब बारात लेके आता है, तब दुल्हन की माँ दूल्हे की आरती उतार के मजाक में दूल्हे का नाक खींचती है। इस रस्म से दुल्हन की माँ दूल्हे को ये बताती है कि तुम हमारी बेटी को लेने आए हो, वो भी हमारे घर में, इसलिए तुम्हें हम सब के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा। शादी से पहले दूल्हे के कपड़े फाड़ देने का रिवाज। ये रस्म सिंधीज में मनाया जाता है, जिसे शांत के नाम से जाना जाता है। पंडित जी के द्वारा दुल्हन और दूल्हे के पैर में एंकलेट बंधवाया जाता है उनके अपने घर में। इसके बाद सात शादीशुदा औरतें दूल्हे और दुल्हन के सर पे तेल डालती है। दोनों दुल्हन और दूल्हे को अपने राइट पैर में नया जूता डालना पड़ता है और उससे मिट्टी का मटका तोड़ना पड़ता है। इसे शुभ माना जाता है और एंड में सब रिश्तेदार मिलके दूल्हे के कपड़े फाड़ देते हैं। है ना ये मजेदार रस्म। मटका बैलेंस करने की रस्म। ये रस्म थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है, पर है मजेदार। ये रस्म ज्यादातर बिहार में मनाई जाती है। इस रस्म में शादी के बाद दुल्हन को 4 से 5 मटके सर के ऊपर रख के सब बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। अगर दुल्हन अच्छे से बैलेंस करके इसमें जीत जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से बैलेंस कर पाएगी। अंगूठी खेलने वाली रस्म। अंगूठी खेलने की प्रथा तो हम सब जानते हैं, हर मूवीज में दिखाई जाती है ये रस्म। इस रस्म को करने के लिए चांदी के कटोरे में दूध और गुलाब की पंखुड़िया को मिला के उस मिश्रण में रिंग्स डाल देते हैं। दुल्हन और दूल्हे को रिंग्स ढूंढ के निकालनी पड़ती है। इस गेम में 7 मौके दिए जाते हैं और जो भी 4 बार रिंग ढूंढ के निकाल लेता है, ऐसा माना जाता है कि उसका ही राज घर में चलता है। जूते छुपाने की रस्म। हम आपकी है कौन मूवी के बाद ये सीन तो अब इतना पॉपुलर हो गया है कि इस रस्म को हिंदुस्तान के बाहर भी मनाया जाता है। पैसे दो जूते लो, ये रस्म दूल्हे को भले ही उतनी अच्छी ना लगे, पर दूल्हे की सालियों को तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें उनको ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिलता है। इस रस्म में दुल्हन की बहने दूल्हे के जूते छुपा देती है और जूते वापस लेने हो तो दूल्हे को ढेर सारा पैसा चुकाना पड़ता है। मेरे लिए तो भाई ये बहुत ही मजेदार रस्म है। ये तो हमने आपको कुछ रस्में बताई जो कि हिंदुस्तान में होती है, पर दोस्तों ऐसी और भी कई सारी रस्में होती है जिनके बारे में शायद मैं भी नहीं जानती। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी कोई रस्म होती है जो एकदम हटके है, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।